सिक्स क्लास स्टूडेंट असल मैथ टीचर ऑन बिहाफ ऑफ फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट न्याय बाग हम इस वक्त चैप्टर कर रहे हैं होल नंबर्स ये हमारा है लेक्चर नंबर सिक्स आज हम एक्सरसाइज नंबर टू प्वाइंट टू का क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग दिस मीन्स इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का इस्तेमाल करना है ये एक्सपैंड हुए हैं अब आपको सॉल्व करने हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कैसे इस्तेमाल करेंगे इसमें ए पार्ट टू हंड्रेड नाइन्टी सेवन इंटू सेवनटीन प्लस टू हंड्रेड नाइन्टी सेवन इंटू थ्री यूजिंग यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी थर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं सबसे पहले देखेंगे इसमें कॉमन कौन कौन सी चीजें हैं डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये आप देखिए इसको इसने डिस्ट्रीब्यूट इसको किया है 297 297 ये दो बार आया है तो हम 297 को एज कॉमन लेंगे कॉमन मीनस एक लेंगे इसमें से दो में से एक कॉमन निकालेंगे इंटू भी दो बार है तो इंटू भी कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा सेवनटीन प्लस थ्री इज इक्ल चू हंड्रेड नाइनटी सेवन इन टू ब्रेकेट ऑफ करेंगे कंटिन्यू जीरो वापस आएगा टू सेवन आर फोर्टीन वन दिया कैरी टू एट नाइन आर एटीन एटीन और वन हो गए नाइनटीन वन दिया कैरी टू टू आर फोर फाइव ये निकाला हमने वैल्यू इसका डिस्ट्रीब्यूटिव uh, मेथड के हिसाब से कि इसको हम कैसे हम आसान तरीके से इसको वैल्यू निकाले इसी तरह से बाकी पार्ट भी इसी में ऐसे करने हैं अब आप क्वेश्चन नंबर फोर देखिए जो कि इस तरह से है इस तरह से है और इस तरह से आपको उसको बनाना है हैं तो मगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही ए पार्ट में 738 हंड्रेड थर्टी एट इंटू वन इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम हम इसको या इसको एक्सपैंड करेंगे हंड्रेड इज अलग टेन अलग वंस अलग लेकिन जो इजी आपको लगे उसी को एक्सपैंड कीजिए तो हम करेंगे सेवन हंड्रेड थर्टी एट और इसको एक्सपैंड करेंगे एक्सपैंड इस तरह से हंड्रेड इज अलग क्योंकि हंड्रेड हंड्रेड की जगह पर वन है तो वन हंड्रेड टेन्स की जगह पे जीरो है और वंस की जगह पे थ्री है कंटिन्यू सेवन थर्टी एट इंटू करेंगे अब ब्रैकेट ऑफ करेंगे पहले करेंगे इस नंबर से इस होल नंबर से हंड्रेड का मल्टीपल प्लस, प्लस फिर सेवन थर्टी एट 738 इनटू करेंगे जीरो के साथ 10s के साथ जो टेंस की जगह पे है फिर प्लस सेवन थर्टी एट इसी नंबर से करेंगे इस होल नंबर से इंटू थ्री के साथ इक्वल्स अब इससे करेंगे इसका मल्टीपल दो जीरो वापस आएंगे वन एट आर एट वन थ्री आर थ्री वन सेवन आर सेवन प्लस जीरो से जब भी हम किसी का मल्टीपल करते हैं तो वहां से जीरो ही आ जाता है प्लस थ्री एट आर ट्वेंटी फोर थ्री थ्री आर नाइन अलाव टेन इलेवन वन दिया कैरी थ्री सेवन आर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू आप तीनों को ऐड करेंगे सम करेंगे वंस की जगह पर अगर आपको इस तरह करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप रफ यहां से रफ एक मार्जिन एक डालेंगे ऊपर लिखेंगे रफ वर्क तो यहां पर इसका प्लस करेंगे लेकिन अच्छा है कि अभी से आप सीखेंगे छोटे छोटे नंबर्स को इस तरह करने का वंस की जगह पर है यहां पर जीरो और फोर आ गया फोर वापस टेंस की जगह पर यहां पर जीरो यहां पर वन तो वन आएगा वापस टेन्थ हंड्रेड uh, की जगह पर एट एट और टू हो गए टेन One दिया कैरी वो दिया इसको हमने ये बन गया थ्री थ्री और थ्री हो गए सिक्स और सेवन आएगा हाँ वापस आंसर निकला सेवेंटी सिक्स थाउजेंड फोर्टीन ये भी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो यहां पर भी करेंगे लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी थर्ड ये था ये जो था ये इस तरह बनाया हमने इस तरह जो ये था ये डिस्ट्रीब्यूट कर ये एक्सपैंड करके था हमने इसका वैल्यू निकाला ऐसा मेथड यूज करके और ये जो था ये इस तरह था हमने इसको ऐसे बना के सोलव किया बाकी पार्ट इसी तरह से करने हैं कभी माइनस करना है बीच में कभी प्लस करना है बीच में लेकिन है ये बहुत ही इजी इस तरह से करने हैं अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है कि एक टैक्सी ड्राइवर ने मंडे को अपने इसमें ए ट्रैक्सी एंड कार पेट्रोल टैंक विद फोर्टी ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे नेक्स्ट डे ही को उसने अपने टैंक में फोर्टी लीटर पेट्रोल डाला फिर ट्यूजडे नेक्स्ट डे दैट मीन्स ट्यूजडे ट्यूजडे को पचास लीटर का पेट्रोल उसमें फिल किया एक पेट्रोल लीटर है फोर्टी फोर रुपीज में पर लीटर तो बताइए उसने टोटल दो दिनों में कितने उस पर पैसे खर्च किये क्वेश्चन नंबर फोर कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर इज इक्वल टू रुपीज फोर्टी फोर पेट्रोल फेल्ट ऑन मंडे मंडे को उसने कितना पेट्रोल फिल किया टैंक में फोर्टी लीटर पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू फिफ्टी लीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इसको वैसे ही करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव क्योंकि आप देख रहे हो पर लीटर पेट्रोल पैट, का कॉस्ट सेम है फोर्टी फोर्टी फोर रुपीज तो इसने एक दिन फोर्टी लीटर लिए दूसरे दिन फिफ्टी लीटर लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फोर्टी फोर रुपीज मल्टीपल करेंगे क्योंकि ये कॉमन है दोनों में इसमें भी फोर्टी लीटर इसमें भी फोर्टी फोर इंटू फोर्टी प्लस फोर्टी फोर इंटू फिफ्टी फोर्टी फोर फोर्टी फोर कॉमन है यहां पर ये दोनों कॉमन है तो लेंगे फोर्टी फोर कॉमन इंटू बी कॉमन ब्रैकेट में रखेंगे फोर्टी प्लस फिफ्टी ये लीटर्स हैं दोनों फोर्टी फोर इंटू 44 फोर्टी फोर इंटू नाइन्टी एज ए कॉल्चर जीरो नाइन फोर और थर्टी सिक्स थ्री दिए कैरी नाइन फोर और थर्टी सिक्स हो गए थर्टी नाइन तो हमने टोटल उसने कितने पैसे पेट्रोल पर खर्च किए उसने टोटल थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी रुपीज इस पे खर्च किए तो आप इसको लास्ट में लिखेंगे ही स्पेंट रुपीज थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी ऑन पेट्रोल अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर टू पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर वन बुक पे ही करना है क्योंकि इसमें बताता है कि बताइए इसमें से कौन रिप्रेजेंट जीरो को नहीं करता है क्योंकि जब हम जीरो से किसी को इंटू करते हैं तो जीरो निकलता है डिवाइड करते हैं तो जीरो निकलता है लेकिन जब हम प्लस करते हैं तो जीरो वापस नहीं आ जाता वही नंबर आ जाता है जो उसके साथ होता है तो पहला जो है वो जीरो रिप्रेजेंट नहीं करता है तो आप लिखेंगे वहां पर क्योंकि ए पार्ट में वन वापस आता है जीरो नहीं आता है तो ए पार्ट इसका आंसर है है इसमें क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो अगर हमें दो, दो इसने कहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर हमने दो होल नंबर्स लिए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किए हैं प्रोडक्ट तो हमें आंसर मिला है जीरो क्या यह जरूरी है कि दोनों ही जीरो यहां पर होने चाहिए या कि एक होना चाहिए जरूरी क्या है दो जरूर, दो जीरो दो जरूरी है कि एक ही होना चाहिए अगर ऑफ फॉर एग्जाम्पल अगर ऑफ जीरो इंटू फाइव करोगे वो निकलेगा जीरो अगर आप जीरो इंटू जीरो करोगे तभी जाकर जीरो ही मिलेगा दिस मीनस जरूरी है कि एक होना चाहिए दो जरूरी नहीं है आप इसको एग्जाम्पल थ्रू भी दिखा सकते हो जीरो इंटू ए is equal to zero. For example, zero into zero, this is zero. मगर zero into seven, वो भी निकल सकता है zero. इसका मतलब इसमें आप लिखोगे, if the product of two whole numbers is zero, one of them will be zero होना चाहिए एक. इसी तरह question number three. Question है, if the product of two whole numbers is one, can we say that one or both of them will be one? दो होल नंबर हमने लिए हैं प्रोडक्ट किया है और आंसर मिला है हमें वन क्या हम कह सकते हैं कि दोनों वन ही होने चाहिए यहां पर दो होल नंबर जो हो, होंगे वो वन ही होने चाहिए तब हमें वन मिलेगा या कि एक जरूरी वन है कि दोनों वन ही होने चाहिए एग्जाम्पल यहां से पहले मैं एग्जाम्पल दिखाऊं कि अगर आप करोगे वन इंटू फाइव तो वो निकलेगा फाइव वो वन नहीं निकल सकता जब आप करोगे वन इंटू वन तब जाकर वन मिलेगा इसका मतलब दोनों वन ही होने चाहिए यहां पर दो होल नंबर जो आप लोगे प्रोडक्ट करके वो दोनों वन ही देंगे तब इसलिए दोनों वन ही होने चाहिए तो इसको लिखेंगे इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज वन बोथ ऑफ देम विल बी वन क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर टू और थ्री की तरह हैं आप इन क्वेश्चनों को, को अच्छे से कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कीजिए या कॉल कीजिएगा हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़